जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज हम चर्चा करने वाले हैं बेहद महत्वपूर्ण दिनों की, जो कि आपके जीवन में सुख समृद्धि, सुख शांति सभी कुछ लेकर आने वाले हैं। देखिए, ये काफ़ी सप्ताह जो है आपके लिए अलग रहने वाला है, डिफरेंट रहने वाला है अन्य दिनों की अपेक्षा। तो आज इसी विषय पर पूर्णतः चर्चा करेंगे। इन दिनों में क्या है, आपके तीन महापरिवर्तन होने जा रहे हैं। एक तो आपका परिवर्तन होगा, शुक्रदेव की छत्र परिवर्तन होगा। दूसरे, इन दिनों में बुध देव भी अपना परिवर्तन करेंगे। तो एक भाव से दूसरे भाव में जाने पर जो ये क्रॉसिंग टाइम होता है, वो भी कुछ विशेष प्रभाव आपको प्रदान करता है। तीसरा ही मंगल देव क्या है, स्वयं के नक्षत्र से निकलकर गुरु के नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो बहुत ही विशेष ये दिन रहने वाले हैं। और 27 तारीख से चंद्रमा जो है आपके सिंह राशि से गोचर करने वाले हैं। चंद्रमा बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। चंद्रमा को हमारे मन का कारक माना जाता है, हमारी लिक्विडिटी में निरंतरता का कारक माना जाता है, चंद्रमा को शांति का कारक माना जाता है। जिनके चंद्रमा स्ट्रांग होते हैं, परिस्थितियां उनकी कितनी भी विषम हो जाएं, किंतु वो हर परिस्थिति पर शांति के साथ विजय प्राप्त कर लेते हैं, कल्पनाशील होते हैं और उनका मन निरंतर उड़ान भरता रहता है। और आपने ये सुना ही होगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो इस तरीके से आपने देखा कि चंद्रमा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। वहीं बुध देखिए, इस दौरान आपको दो भावों से प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे। सबसे पहले ये प्रभाव देंगे आपको तुला राशि से, और उसके बाद में आपको देंगे प्रभाव वृश्चिक राशि से। दोनों ही राशियों में इनके प्रभाव में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। और ये क्रॉसिंग टाइम जो होता है, ये बहुत विशेष फल देने के लिए जाना जाता है। इस दौरान ग्रह जो होता है आपको भर भर के दे देता है। वहीं मंगल का नक्षत्र परिवर्तन, यानी मंगल भी अपने स्वभाव में पूर्णतः परिवर्तित कर लेंगे। और पूर्णतः परिवर्तन करने के बाद देखिए, मंगल क्या है, एग्रेशन है और उसके साथ ही युद्ध वेपन है। थोड़ा सा भी यदि वीक हुए बर्थ चार्ट में, सबसे पहले तो क्या डिस्ट्रॉय करते हैं, आपके दाम्पत्य जीवन को। आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव इतना ज़्यादा भर देते हैं कि व्यक्ति एक दूसरे के साथ रहना तो दूर, एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करता। दूसरा, ये रक्त के कारक होते हैं, तो रक्त में आपके इतनी ज़्यादा अग्रेशन हो जाती है, यानी गुस्सा आपके अंदर इतना ज़्यादा भर जाता है कि हर छोटी से छोटी बात भी आपको क्रोधित कर देती है। वहीं जब ये गुरु के नक्षत्र में जाएंगे, तो कितने भी आपके वीक हो, किंतु परिस्थितियों को शांति से समझना और उन पर नियंत्रण पाना, ये आपकी आदत में हो जाता है। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रहों का बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है। गुरुदेव के विशेष प्रभाव आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। वहीं गुरुदेव क्या है, गुरुदेव ज्ञान आध्यात्म शांति के नैसर्गिक कारक माने जाते हैं। धर्म से इन्हें जोड़ा जाता है, और ये जहाँ पर बैठते हैं, जहाँ से संबंध बनाते हैं, वहाँ से जुड़े हुए आपको बहुत ही अच्छे प्रभाव देने का प्रयास करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि उनके पास बल कितना है। इसके साथ ही गुरु देखिए, धन हो, अध्यात्म हो, या फिर आपके नौकरी हो, व्यापार हो, संतान हो, संतानोत्पत्ति हो, विवाह हो, विवाह सुख हो, या फिर राजसी सुख ही क्यों ना हो, इन सभी चीज़ों में गुरु का कारकत्व होता है। तो इन सभी महत्वपूर्ण ग्रहों का सूक्ष्म विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में, कि ये 27 से 2, क्योंकि ये जो दिन है बेहद महत्वपूर्ण दिन है, जिनकी कि हर कोई बहुत सुख से मनाने की कामना करता है। तो देखेंगे कितनी आपके लिए कहाँ से निगेटिविटी निकल कर आ रही है और कितनी आपके लिए अच्छाई निकल कर आ रही है। क्योंकि क्या है, कोई भी चीज़ पूर्णतया शुभ नहीं होती और कोई भी चीज़ पूर्णतया अशुभ नहीं होती, यह सृष्टि का शाश्वत सत्य है। तो इन सब चीज़ों पर विस्तृत चर्चा करेंगे इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में बाल नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ बाल नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए।
इसे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, वर्तमान समय में चंद्रमा का गोचर बेहद महत्वपूर्ण होता है और चंद्रदेव इस समय पर 27 तारीख को आपके षष्ठ भाव में आ जाएंगे। तो इस समय पर यदि आपने ऋण ले रखा है तो उसे चुकाने का प्रयास कर सकते हैं, यदि और ऋण लेना चाहते हैं तो वो आपको प्राप्त हो जाएगा। इस समय थोड़ा सा वाद विवाद से बचकर रहें, किसी के साथ किसी भी बात में उलझना इस समय आपके लिए हितकर नहीं रहेगा। प्रतियोगिता में यदि बैठ रहे हैं तो निर्णय जो है वो 100% आपके पक्ष में आएगा। किसी से अनावश्यक विवाद से उलझ, चीज़ों को जितना अवॉइड करके चलें उतना आपके लिए इस दौरान बेहतर रहेगा। 29 तारीख को चंद्रदेव आपके सप्तम हाउस में आ जाएंगे, यहाँ पर केतु के साथ जो है इनका ग्रहण दोष का निर्माण होगा। तो ग्रहण दोष थोड़ा सा आपके लिए, कहते हैं ना दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी छोटी मोटी नोकझोंक की स्थिति को उत्पन्न करेगा। थोड़ा सा आपके स्वभाव में भी एग्रेशन आएगा, क्योंकि जो चारों तरफ से आपके लिए चीज़ें निकल कर आ रही हैं, आपके कार्य की व्यस्तता बहुत ज़्यादा है, ऑफिस में वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें इस समय पर बहुत ही ज़्यादा आपको व्यथित करती हुई दिखाई देगी। व्यवसायी लोगों के अर्थ की दृष्टि से यह सप्ताह बहुत ही महत्वपूर्ण है, अर्थ लाभ होने वाला है, किंतु थोड़ा सा उनके लिए तनाव की स्थितियाँ बनी रहेंगी। 30 और 31 तारीख की बात करें तो ये यहाँ पर सूर्यदेव रहेंगे और चंद्रदेव का गोचर होगा, तो यहाँ पर अमावस योग का निर्माण होगा। तो ये अमावस योग का निर्माण आपके कार्य की व्यस्तता के कारण आपको बहुत सारी समस्याओं से जूझने पर मजबूर कर देगा। थोड़ा सा आपको अनावश्यक चीज़ों के व्यय से बचना है, आपको इस समय पर किसी को की अपशब्द बोलने से बचना है। चीज़ें जो हैं थोड़ी सी आपके लिए, कहते हैं ना कि परिवर्तन चाहती हैं, परिवर्तन होगा और अचानक होगा, किंतु यह समय 2 दिन आपके लिए थोड़े से सोच विचार के हैं। अपनी चीज़ों को, कीमती चीज़ों के प्रति आपको सजग रहना है, किसी पर आंख मूंद करके भरोसा करके किसी के हवाले अपनी कोई कीमती चीज़ नहीं करनी है। थोड़ा सा इस समय पर क्या है, आपको धन, जो आपका अटका हुआ धन है उस धन की प्राप्ति होगी। चीज़ें जो हैं बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए सुलभ हो जाएंगी। जो चीज़ आप काफ़ी समय से कार्य को करना चाहते थे, विलंबित पड़े हुए थे, वो कार्य समय पर हो जाएंगे, लेकिन वर्कलोड आपका अभी भी कम नहीं होगा। 1 और 2 तारीख को चंद्रदेव का गोचर यहाँ पर होगा, यहाँ पर बुध देव भी बैठे हुए हैं और यहाँ पर सीधे इनकी दृष्टि जाएगी गुरुदेव पर, तो यह डबल गज केसरी राजयोग का निर्माण करेंगे। डबल गज केसरी राजयोग जब बनेगा तो स्थितियाँ एकदम विपरीत हो जाएंगी, यानी कि एकदम अमावस योग से गज केसरी योग बन जाएगा। तो जितनी भी चिंताएं आपकी 31 तारीख तक रहेंगी वो सब 1 तारीख से बिल्कुल भी आपकी सॉल्व हो जाएंगी। आपके लिए चीज़ें बहुत ही अनुकूल होती हुई दिखाई देंगी। इस दौरान भाग्य का प्रबल साथ मिलने के कारण आपके सभी कार्य थोड़े से प्रयासों से ही संपन्न होते चले जाएंगे, वर्कलोड भी आपका कम होना प्रारंभ हो जाएगा, चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी और अच्छे तरीके से आपके लिए होती हुई दिखाई देंगी। पिता का सहयोग मिलेगा, छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, घर के अंदर सौहार्द का वातावरण बना रहेगा, मांगलिक कार्यक्रम में आपकी रुचि रहेगी, धर्म स्थानों पर जाते हुए भी देखे जाएंगे, छोटी छोटी यात्राएं इस समय पर आपके लिए लाभदायक होती हुई दिखाई देंगी। तो ये सप्ताह जो है आपके लिए बहुत ही विशेष लेकर आ रहा है। अब देखिए इस दौरान इन ग्रहों के विशेष प्रभाव, क्योंकि देखिए हर वीडियो में मैं बिल्कुल बताना नहीं भूलती कि यदि संबंधित ग्रह आपका नकारात्मक परिस्थिति में आपके बर्थ चार्ट में बैठा हुआ है तो इनके आपको बहुत ही नकारात्मक प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। जितना ज़्यादा ग्रह विषम अवस्था में होगा उतनी ही परिस्थितियाँ आपकी भी विषम होने वाली है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, देखिए पूरे इस दौरान सबसे पहले शंकर भगवान की आराधना करनी है। शंकर भगवान का जलाभिषेक कर सकते हैं तो बहुत ही उत्तम, दुग्धाभिषेक कर सकते हैं तो बहुत उत्तम, यदि नहीं कर सकते हैं तो प्रतिदिन 1 चम्मच दूध, देखिए इनको तांबे के पात्र में जल ना देकर आप स्टील के पात्र से जल दें, 1 चम्मच दूध डालें, अक्षत डालें, सफ़ेद पुष्प डालें, सफ़ेद चंदन डालें और 1 जनेऊ ले जाएं और भोलेनाथ जी को अर्पण करें। इसके साथ ही शमी पुष्प ले जा सकते हैं, इनको अर्पण करके 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए
दिन की शुरुआत करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा ये सप्ताह रहने वाला है। और यदि आप चंद्रमा को सदैव के लिए शुभ करना चाहते हैं, ओम शोम शोमाय नमः, इस बीज मंत्र का 1 माला 2 माला 5 माला 7 माला 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। माता की रिस्पेक्ट करें, माता की आज्ञा को शिरोधार्य करें। माता को जितना ज़्यादा प्रसन्न रखेंगे, चंद्रमा आपके उतने ही अच्छे होते चले जाएंगे। सफ़ेद कपड़े में 125 ग्राम चावल या फिर बर्थ चार्ट में जिस भी भाव में चंद्रमा बैठे हों उतने 100 ग्राम चावल ले लें। अपने ऊपर से एंटी क्लॉक वाइज 7 बार उतार कर सोमवार के दिन सायं के समय गोधूली वेला में जल प्रवाह करने से भी आपके चंद्रदोष समाप्त होते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।